सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। एक बेहतरीन इंसान अपने जुबान और कर्मों से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती है। सत्य बोलने से हमेशा दिल साफ रहता है, अच्छे काम करने से हमेशा मन साफ रहता है और मेहनत करने से हमेशा दिमाग साफ रहता है। जो इंसान सब्र के साथ इंतजार करना जानता है, उसके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। आज का पंचांग 4 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात्रि 8:03 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वशु नामक नक्षत्र दोपहर 1:39 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:33 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:55 से 12:38 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर सुबह 7:22 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगी। मेष राशि 4 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार, अभी आप अपने अतीत और यादों से अलग महसूस कर रहे हैं। अपने रिश्तेदारों या आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ने के लिए एक छोटी सी यात्रा के लिए जा सकते हैं। प्रशिक्षण या उच्च शिक्षा में नामांकन के लिए यह अच्छा समय है। आर्थिक लाभ भी आपका इंतजार कर रहे हैं। जीवन का यह समय आपको काम और परिवार के साथ साथ आत्मविश्वास और विश्वास की कमी में करना सिखाएगा। घरेलू मुद्दों और व्यवसाय संबंधित आमदनी के बारे में विचार करेंगे। अपने आप को शांत रखें और गुस्से पर नियंत्रण रखें। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समुन्दरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। रचनात्मकता तथा धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान रहेगा। किसी मित्र की मुसीबत के समय में आप उसका सहयोग करेंगे, जिससे आपको आत्मिक खुशी प्राप्त होगी। चुनौतियों को स्वीकार करना आपके लिए उन्नति के मार्ग भी खोलेगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह बना रहेगा। अपने अंदर संयम बढ़ाने की कोशिश करते रहें। संयम की कमी की वजह से काम से जुड़े एकाग्रता और काम में रुचि दोनों कम हो रही है। केवल नकारात्मक विचारों पर आर्थिक ध्यान देने की वजह से सकारात्मक स्थिति को भी आप नकारात्मक बना रहे हैं, इससे बचें। अपनी इच्छा शक्ति द्वारा काम संबंधित बड़ी समस्या को आप दूर कर पाएंगे। अपने अहंकार को काबू में रखें। स्त्रियों को यूरिन इन्फेक्शन की तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, संतान की कोई नकारात्मक गतिविधि परेशान कर सकती है, परंतु आपकी समझदारी व सूझबूझ से समस्या हल भी निकल आएगा। आपको अपनी योजनाएं क्रियान्वित करने में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। भावुकता में आकर कोई भी निर्णय ना लें। बात करते हैं लव लाइफ की। व्यस्तता के कारण घर परिवार की देखभाल में उचित समय नहीं दे पा रहे हैं, परंतु घर का माहौल खुशनुमा बनाने के लिए परिवारजनों के कुछ समय व्यतीत करना तथा मनोरंजन संबंधित प्रोग्राम बनाना उचित रहेगा। निवास स्थान यानी होम प्लेस पर आपको सुकून और आपके मन को शांति मिलेगी। आपका साथी आपका सबसे अच्छा दोस्त है, जिसके साथ बिताया समय आपके लिए यादगार और स्पेशल होता है। अपनी पसंदीदा गतिविधियों में उसे शामिल करें और प्रोत्साहित भी करें। आज आप निजी लाभ की तुलना में लोगों की सेवा करने में अधिक रुचि रखते हैं। यह जीवन का वो चरण है जब आप काम और परिवार के कार्यों में भी संतुलन बनाए रखेंगे। आपका गुस्सा रोमांटिक रिश्तों को कसौला कर सकता है, लेकिन शांत रहें, क्योंकि आपके चार्म से आपका प्रीतम
ज्यादा देर दूर नहीं रह पाएगा। बात करते हैं करियर की। अभी आप कुछ गलत करने के बारे में सोच रहे हैं। शिक्षा में व्यवधान के योग है, लेकिन आने वाला समय आपको आपके अधिकार के बारे में अवगत कराएगा। नया वाहन, अचल संपत्ति या इमारत खरीद सकते हैं। शब्द के आकर्षण का केंद्र आज आप ही हैं। कार्यस्थल पर आपके प्रदर्शन के कारण आपको सम्मान और प्रशंसा मिलेगी। आपके व्यक्तित्व की कुछ विशेष खूबी सहकर्मियों और अधिकारियों को आपका प्रशंसक बना देगी। भाग्य आपके साथ, लेकिन कड़ी मेहनत करना ना भूलें। बात करते हैं सेहत की। आज के दिन आपके साथ किसी भी तरह का हादसा या अनहोनी होने के संकेत हैं, इसलिए बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। शरीर के ऊपरी हिस्से या फिर सिर पर चोट भी लग सकती है। आज आपको खुद पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और कोशिश करें कि आज कोई ऐसा काम न करें जिनमें ज्यादा शारीरिक मेहनत लगे, क्योंकि सिर की चोट सही होने में लंबा समय लेती है। बाद में पछताने से अच्छा होगा कि पहले ही अपने आप को सुरक्षित रखें। आज का उपाय। आज अब माता लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, अति शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।